अनबॉक्सिंग में ठीक है, अच्छी तरीके से ओपन होगा, डोर आपका इतने तक खुल जाता है। ठीक, बाकी इसमें देखिए जो इसका स्पेस है ना, इस स्पेस का आपको इतने ऊपर तक कपड़े डालने हैं, मतलब 30% खाली रखना है, 70% भरना है। यहाँ पूरा नहीं भरना, 70% खाली रखेंगे तो ही कपड़े अच्छे से आते हैं। ठीक, कपड़े डाल के डोर को यहाँ से आपको फिर से वापस बंद कर देना, खुलेगा जैसे बंद किया। यहाँ पे थंब रखना आपका और फिंगर से अपनी तरफ खींचना, नहीं मतलब लॉक हो जाता है ना ये। जी जी, स्टार्ट हो जाएगी तो नहीं खुलेगी। हाँ, मशीन जब स्टार्ट कर देंगे, कपड़े डाल के स्टार्ट करते हो आपको बंद कर देते लाइट, तो कितनी देर बाद? 30 सेकंड के बाद। अगर यहाँ से जैसे मान लीजिए मशीन स्टार्ट है, कपड़े आपने सब कुछ डाल दिए, तो कपड़े भूल भी गए, तो यहाँ से एक बार मशीन को स्टॉप कर देंगे, फिर 30 सेकंड पर डोर खोलेंगे तो खुल जाएगा। उसको कैसे कौन से फंक्शन पे चलाना है, कैसे क्या उसके बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है। देखिए इसमें तीन खांचे बने, डेली के लिए आपको इसमें डालना है। अगर सूखा डिटर्जेंट आप डाल रहे हैं तो इसको करने के बाद सूखा पाउडर आता है, अगर इनकेस डाल लें तो इसको निकाल देंगे बाहर। बाकी IFB का आता है, IFB का भी आता है लिक्विड डिटर्जेंट, या किसी और कंपनी का डाल लें तो इसमें डाल लें, इसमें लिक्विड पड़ेगा। हाँ, इसमें लिक्विड पड़ेगा, इसमें सूखा। अच्छा, जो लिक्विड हमको इजी वगैरह डालना है इसमें डालना, इसी में डालना है, और सूखा पाउडर इसके अंदर, सूखा पाउडर इसको हटा दे, इसको ठीक है सूखे डालना। दूसरा चीज़ एक और चीज़ क्या है कि इतनी हैवी मशीन है आपकी, जो पाउडर होता है ऑप्शन घुलता नहीं है, उसको देखने के लिए आप किसी चीज में घोल के चेक कर लीजिएगा, वो घुलता ही नहीं है। अच्छा, आधा घुलता है, 50% फट जाता होगा, मशीन में जाके जमता है, उसी लिए मशीन खराब होती है। मेन मशीन खराब होने का रीजन ये बताते नहीं लोग, इसीलिए अब सारी कंपनी ने इसमें सूखा डालने से करती है, बाकी आपकी मशीन में डालना चाहिए डाल सकते हैं। IFB का जाता है, निकुट अभी आपको दिखा देंगे इसमें क्या है, सूखा इसमें डालें, सूखा सर इसमें डालें, इसमें इसको बाहर वो घुलेगा नहीं फिर काफी देर, नहीं मशीन में जाएगा पानी के साथ घूम जाता है, कहना फ्यूचर में जमने लगता है, उसमें जो हरे पीले थोड़ा बहुत पीले रहते हैं ना, वो जमता नहीं, घुलता नहीं, अंदर जाके स्टोर हो जाता है, तो मशीन खराब जाती है, उसी से खराब। तो इसके क्या करना, पहले इसमें सूखा डालें, नहीं सूखा उस तरीके से अगर देखा जाए तो मशीन को नुकसान करता है, बाकी आप डालना चाहते हैं पानी पहले घोल रख दें, पहले कितना भी घोल लेंगे घुलेगा ही तो उसको, कितना भी उसको भूल के जाएंगे सॉफ्ट ड्रिंक भूल जाए तो भूलता नहीं है। तो फिर कैसे सफाई इसकी होती रहे, तो फिर सफाई के लिए डिस्केलिंग डिस्केल पाउडर आता है, उसको डाल के खाली चला सकते हैं, लेकिन उस पर 100% साफ नहीं होता, 70% तक साफ होता है, बाकी सूखा पाउडर अगर डाले नहीं तो मशीन, मतलब इन मशीनों के लिए लिक्विड यूज करना चाहिए, लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीडबैक ज्यादा है, लिक्विड वाला मिलता है अलग बाजार में, देखो है बैग में अभी दिखा देंगे। इसमें क्या करना है, खुशबू के लिए कुछ डालना है, जैसे मान लीजिए सॉफ्टनर है कुछ डालना है, या सफेद कपड़े हैं उसमें कुछ डालना है। पूछ रही थी, जब हम इस पे पाउडर डालेंगे उसी के साथ खुशबू वाला भी डाल देंगे, उसी के साथ डालेंगे, इसको जब आवश्यकता होगी तब ले लेंगे। ठीक है जी, अपने हिसाब से अपने आप ले लेगा। इसमें क्या करना, जैसे कपड़े ज्यादा गंदे, जैसे कोई कपड़े होते हैं डेली नहीं, जैसे सोफे होते हैं उसको डेली नहीं धोते, हफ्ते में एक बार धोते हैं, उसमें धूल मिट्टी ज्यादा चिपकी रहती है, उसके लिए आपको इधर भी डालना है, इधर भी डालना, दोनों में डालना है, इधर आप मतलब जो डालेंगे उसका 20% डिटर्जेंट इसमें डालना है, तो क्या होगा, पहले पानी इसमें आता है वो कपड़ों को खराब निकाल देगा, फिर इसमें पानी है तो कपड़े आपके, पहले मिट्टी निकाल देगा, हाँ तो कपड़े आपके अच्छे साफ होंगे, तो पहले इसमें ना डाले, नहीं नहीं पहले इसमें तो आपको डालना ही डालना, अगर हैवी लोड जब हम जैसे रेगुलर कपड़े यूज करें तो पहले पाउडर इसमें डालें कि इसमें डालें, इसी में आपको डालना है, हमने ये इसलिए बताया हैवी लोड जब, अच्छा हैवी कपड़े जब धो रहे हैं तो इसमें आपको मतलब कोई चादर फादर है, कंबल है, कंबल है, हाँ तो कंबल के लिए इधर भी डाल देंगे, उधर भी, और इधर जितना डालेंगे उसका 20% डिटर्जेंट पहले वो उससे धो देगा, हाँ पहले इससे एक बार खंगाल के निकाल देगा, मतलब जो कपड़े लॉन्ग टाइम बाद धोने हैं उसके लिए पहले उसमें भी डालना, हाँ इसमें भी डालना, ठीक है सर, ठीक है, फिर आपको यहाँ से उधर, उसके बाद ये आप इसको इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, ये दोनों तरफ आप घुमा सकते हैं जी। इसमें क्या है कि डेली के आपके जो हल्के फुल्के गंदे कपड़े होते हैं, अच्छा नॉर्मल, हाँ डेली वाले जो आपके हल्के फुल्के हो गंदे इस पे लगे नॉर्मल, हाँ इस पे आप डेली वाले कपड़े इस पे चला सकते हैं, और इस पे आपके भारी कपड़े, अच्छा हमने जो हैवी कपड़े बताए हैवी के लिए आपको इस पे चलाना है, और ये इस मशीन का छोटा फंक्शन है, छोटे कपड़े बहुत छोटा फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कपड़े को धुले रखे हैं, स्मेल आ रहे हैं, या कपड़े आप मतलब हल्के फुल्के गंदे हैं उसको धोना चाहें तो ये फंक्शन 20 मिनट का है, और ये जो पहला नॉर्मल वाला ये कितने मिनट पहले देखिए टाइम लिखा हुआ है सब कुछ, ये आपका
2 घंटे 21 मिनट 2 घंटे मशीन चलेगी, 2 घंटे नॉर्मल वाले में, नॉर्मल वाले हैवी वाले में, हैवी वाले में, हैवी वाले में। बाकी इसमें आपका कितना टाइम है, इतना 1 घंटा 22 मिनट। और इसमें मान लीजिए कोई छोटे बच्चे के हैं, छोटे बच्चे कपड़े या कोई घर में साड़ियाँ उड़ी हैं, सितारे उतारे लगे हैं, कोई कपड़े सॉफ्ट हैं, तो उसको आप, ये मशीन का स्पेशल फंक्शन है। यहाँ देखे ये इसी कंपनी में आते हैं, यहाँ टीएम लिखा है। अच्छा, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ही केवल आईपी में जाता है और किसी में नहीं आता। अच्छा, इसमें क्या करना कि कपड़े आपको 50% डालते हैं। इसमें कपड़े किस तरीके से धुलते हैं, जैसे हम डालते हैं तो कैसे फंक्शन करते हैं, बता रहे सारा फंक्शन आपको बताएंगे। इसमें आपको कपड़े 50% आपको डालना है, जैसे छोटे बच्चों को झूले में आप झुलाते हैं वैसे अंदर का ड्रम चलता है, बाकी सारे फंक्शन में उसका फुल मूवमेंट ऐसे चलता है, बाकी इसमें ऐसे ऐसे चलेगा। बस पानी थोड़ा ज्यादा लेता है, मतलब कपड़े आपके पानी में बस ऊपर नीचे तैरते रहेंगे, कपड़े ऊपर जाएंगे नीचे गिरेंगे तो खराब होंगे। उसके बाद आपके अभी के जो है उन्हीं कपड़े भी आपको 50% डालने, फुल लोग नहीं डालना। और इस फंक्शन का कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि ये मशीन ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। कपड़े सूखे डालने, कपड़े आपके सूखे निकले, नॉर्मल में रिंस विंस सब हो जाएंगे आपके, इधर से जितने भी ये ऑटोमेटिक चलेंगे सब में आपके कपड़े धुल भी जाएंगे, खंगल भी जाएंगे, सूख भी जाएंगे। बाकी ये इस चीज के लिए कि इनकेस आपको लगता है कि कभी पानी इसमें स्टोर है, तो उसके लिए आप इस पे ओके करेंगे तो जो पानी होगा पीछे का रास्ता किस पे करेंगे, इस वाले पे, यहाँ पे डेमो एंड ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं, बाकी कंपनी ने ऐसे दे रखा है, अगर चलाना चाहे कभी चला सकते। और उसके बाद स्पिन का फंक्शन, जैसे मान लीजिए कपड़े को गीले हो गए, केवल सुखाना है, धोना नहीं है, या तक कहीं से धो लिए हैं, केवल सुखाना, तो स्पिन पे आप ओके करेंगे छोड़ जाएंगे तो कपड़े सूख जाएंगे, 80% तो सूख जाते हैं कपड़े आपके। और इसमें कपड़े आपने किसी जगह से धो लिए हैं, उसको खंगालना और सुखाना है, दोनों काम करना है, मतलब साबुन लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है, हाँ। उसको खंगाला है, फिर जैसे हमने चादर पे बाल्टी भिगो रखी है, बाकी सीम डाल दी, हाँ, डाल दी, खंगल जाएंगे नहीं छोड़ जाएंगे। उसके बाद ये जो सिंथेटिक के चमकीले कपड़े होते हैं, उसको भी आपको 50% भी डालना है। ये मतलब इसमें टाइमिंग सेट है, कपड़े की टाइमिंग सेट है, आपको बस दो काम करना है, कपड़े जो धोना है उसको बस डाल के मशीन को स्टार्ट कर देना है, बाकी टाइम है उसको ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, वो सब सेट है। जो टाइमिंग अपना सभी फंक्शन का है, उसको ना ही इंक्रीज कर सकते ना ही डिक्रीज कर सकते, उतना देर मशीन चलेगी। और इसमें डेली के हर तरीके कपड़े, मतलब कुछ कुछ कॉटन है, कुछ सिंथेटिक है, कुछ कपड़े, सारे तरीके के कपड़े आप इस वाले फंक्शन में डाल सकते हैं। ये फंक्शन छोटा फंक्शन तो मुझे लगता है कि ये मिक्स वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग इसमें आप डेली वाले जो डेली मिक्स में सीधे सेट करते हैं, ये सारे एक साथ डाल सकते हैं, एक घंटा लगेगा, एक घंटा सर लगेगा। बिजली खपत कैसी है इसमें, कपड़े भी तो साफ होंगे, कपड़े देखिए पहले धुलेगा, 3 बार खंगालेगा, फिर सुखाएगा, तो टाइम तो लेगा। और उसके बाद इसमें कोई स्पेशल, जैसे कोई मान लीजिए कोई साड़ियाँ होगी सिल्क वाली, तो इसमें धोएंगे लेकिन कपड़े 50% आएंगे, सिल्क की साड़ी सिल्क वाली में 50% आएंगे, फुल लोड नहीं डालना। मतलब एक अगर डाल दे एक धुल जाएगी, एक डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, मतलब 50% डालेंगे तो अच्छा फीडबैक मिलेगा। और इसमें इस तरीके के कपड़े टॉगल टाइप, हाँ, इस तरीके के कपड़े आप इसमें डालेंगे, फुल लोड डालना, अलग अलग कपड़े के लिए भी फंक्शन दे रखा है, और सारे कपड़े एक साथ भी डाल सकते हैं, और अलग अलग भी कपड़े डाल सकते हैं, जैसा आपको लगे अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग सारे फंक्शन दे रखे हैं, आप वो लगा सकते हैं। और इसमें एक अच्छे तरीके का मतलब काफी कपड़ा आता है जो सॉफ्ट होता है, उस कपड़े को आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मान लीजिए कोई कपड़ा स्टार्टिंग में धोने जा रहे हैं, शुरू में स्टार्ट से लेके आए हैं, कभी धुले नहीं है, उन सारे कपड़ों को आप इसमें, अच्छा, हाँ, जो नए खरीदे हो कपड़े, नए खरीदे। और इसमें आपका जैसे मान लीजिए आज से 2 दिन पीछे आपने इसका फंक्शन चलाया था तो आपको अच्छा लगा, आप 2 दिन बाद फिर उसी फंक्शन को चलाने लेकिन आप भूल गए कि कौन सा हमने चलाया था, तो जैसे इस पे लाके लगाएंगे वही उसके 2 दिन की मेमोरी ले लेता है ये फंक्शन, 2 दिन की क्या कितने दिन की मेमोरी होगा, उसके पहले का वही चलता है, बस इतना ही है बात। पानी भर गया, अच्छा इसका क्या यूज है, यहाँ ये ऑप्शन चेंज क्या है, जैसे इसमें
आप यहाँ से गए, इसमें क्या है कि मशीन को थोड़ी देर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें 24 घंटे तक का टाइम दे रखा है। अच्छा। जैसे अभी मान लीजिए कपड़े उपड़े आपने ओके कर दिए, लेकिन इसमें ये करना क्या है कि ऑफिस जा रहे और कुछ मान लीजिए पानी नहीं आ रहा, तो आप चाहते हैं कि मशीन अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे बाद चल जाए, 3 घंटे बाद चल जाए, तो आप यहाँ से जाके देखिए इसमें गए। जैसे हमको एक चीज बताइए, यहाँ से टाइम जैसे हमने पहले इस पे लगा दिए कपड़े डाल दिए, हाँ। अब हमको ये लग रहा है कि हम 1 घंटे बाद मशीन को चालू करें, 1 घंटे बाद चालू, हाँ। करेंगे, तो आप इस जगह गए, पहले यहाँ गए और फिर आप इस पे गए, ये देखिए ऑप्शन आ गया, फिर यहाँ से आप टाइम देंगे, ये देखिए आधे घंटे, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा, 1 घंटे बाद अपने आप स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे फाइनल स्टार्ट, फाइनल स्टार्ट का बटन। अब देखिए यहाँ पे डोर, अभी डोर लॉक हो रहा है, उसके बाद देखिए डोर लॉक हो गया, डोर लॉक हो गया। अब इसके बाद मशीन देखिए, ये देखिए टाइम लिखा है कि 1 घंटे के बाद मशीन चलेगी, 1 घंटे के बाद अपने आप मशीन। अच्छा, ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर इसमें इनबिल्ड है, जैसे ये मान लीजिए जितने फंक्शन है, हाँ। सभी फंक्शन का अलग अलग टेम्परेचर, कंपनी ने टेम्परेचर दे रखा है, बाकी आप उसको इंक्रीज डिक्रीज करना चाहे तो इसमें जाके ऑप्शन में कर सकते हैं, तो वो तो फिक्स अपने हिसाब से करेगा, वो ज्यादा बेटर। देखिए इधर से जितने फंक्शन है सब में सब कुछ इनबिल्ड है, कंपनी ने दे रखा है, बाकी उन सब चीजों को कम जाएंगे उसमें जाके कर, मतलब हम अगर वहां से चला रहे तो हमको जरूरत नहीं, कोई इशू नहीं, बाकी जैसे स्पिन की भी स्पीड है, हाँ। जब कपड़े इसमें सुखाते तो उसको भी इनकी डिग्री से आपको कर सकते, वो अपने हिसाब से चलेगा तो ज्यादा अपने हिसाब से चलेगा, या कपड़े अपने हिसाब से 3 बार खंगाल दिए, आप चाहते हैं कि 1-2 बार अधिक भी खंगालना चाहे तो भी कर सकते हैं, तो सारा जो होगा इसमें जाके सब कंप्यूटराइज है। और ये नीचे क्या यूज है उसका, जैसे इसमें तो हम खोल के पानी निकालते थे, अभी हम बता दें कि ये तो मशीन का स्टार्ट ये समझ तो इस्तेमाल करने का होगा, अब इसकी ध्यान कैसे देना, डेली जब कपड़े आप धो लेंगे तो ऐसे डोर को खोलिएगा, इसी तरीके का एक कपड़ा लीजिएगा और पूरे डोर को आप जो पानी देखिए, इसमें क्या है कि अगर डेली आप साफ सफाई रखेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, तो वो भी नहीं आता था, वो तो सफाई करते हैं, बाकी आप उसको डेली एक बार कपड़े से पोंछ देना है। और दूसरा चीज, इसको भी यहाँ से खींचना है, कपड़े आप जो धोते हैं तो उसकी स्कैनिंग कुछ इसमें भी आगे डिपॉजिट होती है, तो इसको भी ऐसे सूखे कपड़े से डबल हटा के पोंछ देना, ये काम करना है, मतलब ये रबर हटा के अंदर का पोंछ देंगे, ये वाला हिस्सा, ये कपड़े कटिंग साफ हो जाएगी, इतने तक हो जाएगा, वरना होता क्या है कि जब उसको पोंछेंगे नहीं आप तो धीरे 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 वहाँ गंदगी जम जाती है, गलता है, जब कपड़े धुल के निकालेंगे तो फिर से गंदे हो जाएंगे, फिर वो रबड़ गलने लगेगी, हाँ रबड़ भी गलने लगेगी। और सबसे जो बेसिक चीज है, ये एक नीचे बना हुआ है, इसको हम 20-25 दिन पर आपको खोलना है, ये ढक्कन में तरीके खुल जाता है, इसमें क्या होता है कपड़े जो धोते हैं उसके रेसे उसे निकलते हैं, अच्छा। तो उसको आप क्लीन करके वापस खुद लगा सकते, और दूसरा चीज है आपका, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाएगा इसलिए कि जो पानी है ये सीधा आ रहा है, इसका स्टॉप करने का नहीं है, बाकी पीछे एक जाली लगी है, अच्छा। उसको भी खोल के साफ करना चाहे तो साफ कर सकते हैं, जरूरत पड़ती है उसकी, जरूरत है पड़ती, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं इस टाइप में नहीं उस टाइप में लगा रहा, लेकिन वो डायरेक्ट वो मोटर वाला है ना, वो डायरेक्ट पानी की टैंक वाला है, वो जैसे खोलेंगे तैसे पानी आता है, वो मोटर से कनेक्ट, हाँ, बाकी अगर कभी साफ करना चाहे तो पानी ऊपर से स्टॉप बंद करके, हाँ ये बता दीजिए, ये ढक्कन के तरीके ये अपोजी से खोल दिया, खुल जाएगा ये, ठीक है, खोलेंगे तो इसके पीछे एक जाली लगी इसी पे नॉब पे, हाँ जाली लगी होगी, उसको किसी चीज से खींच लेंगे और साफ, वो जो टंकी कचरा पानी वही जब आगे फंसता है उससे दिक्कत क्या होगा, जब टंकी ज्यादा जम जाती है तो पानी देरी आने लगता है, पानी धीरे आएगा तो मशीन समय ज्यादा नहीं, जो टाइम इसमें शो होता है वो पानी भरने का टाइम होता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन का जो टाइम है 1 घंटा, तो 1 घंटा के चलने का टाइम है, अच्छा। पानी भरने का टाइम नहीं है, पानी आप जो पानी भरेगा वो टाइम होता है, बस यही, बाकी और कोई कंफ्यूजन मेन इसमें लिक्विड वाला ही यूज करना चाहिए, लिक्विड वाला ही चलाएं तो ज्यादा से, तो इसका मंडल को आपको लगा दीजिएगा, जी जी स्टैंड जो है देखिए अगर डेली जैसे मान लीजिए डेली का जैसे आपके कुछ कपड़े हैं फुल लोड आपने डालने तो इस ढक्कन से 2 ढक्कन और इसमें इजी कंफर्ट सॉफ्ट में सब कुछ मिक्स है, ऊपर से आपको कुछ डालने नहीं और सारे कपड़े के लिए
कॉटन सिंथेटिक ऊनी सभी कपड़े की और डिटर्जेंट के अकॉर्डिंग यूज इसका कम लो। देसी है सब मशीन अमेरिकन नहीं नहीं इंडियन इंडियन है आप तो इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं इंडियन इंडियन कंपनी गूगल पे डालिए अच्छा इंडियन देखा ना इंडियन गोवा में है ना इसका मेन फैक्ट्री नहीं मैन्युफैक्चरिंग गोवा में है जो मेन कंपनी है ना वो तो बाहर की है वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रही है हमने देखा था मेन कंपनी जैसे एलजी है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रही है बाहर की नहीं 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 ये इंडियन कंपनी है वैसे चलती फाइनल स्पेल टाइम।